तो भाई ये है सारी किताबें और ये है आईपैड। और भाई आज की इस वीडियो में करने के वाले है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है इन किताबों को यूज करके, साथ ही साथ क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप एक आईपैड को यूज करोगे, क्योंकि भाई अभी अभी मेरी फाइनल एग्जाम हुई है जिसके अंदर मैंने अपने आईपैड को भी यूज किया है, साथ ही साथ अपने किताबों को भी यूज किया है। और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे भाई इस किताबों के बारे में, पीडीएफ्स के बारे में, क्या ज़्यादा साइज़ वाली पीडीएफ्स आईपैड के ऊपर सपोर्ट करती है या नहीं करती, लैगी एक्सपीरियंस रहता है या नहीं, कौन से ऐप यूज़ करने चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड मैंने कौन से ऐप्स यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को बिल्कुल से एंड तक देखिए। एक इस मेरा नाम है जिनके खिले आप देख रहे हैं दीपिज रिव्यूज़, एंजॉय द इंट्रो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सवालों के बारे में जो आप लोगों ने मुझे पूछे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा है, कुछ लोगों ने डीएम किया है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो आईडी यहाँ पे शो हो रही है, जाके पूछो, मैं बिल्कुल से रिप्लाई करता हूँ और काफ़ी फास्ट करता हूँ। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आती है जहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। तो भाई बात करते हैं हमारे आईपैड के ऊपर, क्या आप लोग बड़ी पीडीएफ्स ओपन कर सकते हो, मतलब भाई यहाँ पे ये जो किताब है लगभग से 1000 पेजेस के ऊपर वाली किताब है, 1400-1500 पेजेस है, और क्या ऐसे पीडीएफ्स आप आपके आईपैड के साथ बिल्कुल इजीली ओपन कर सकते हो या नहीं, क्या आपको इसके साथ स्टोरेज इशू फेस होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी स्टोरेज इशू आप लोगों को फेस नहीं होगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा आईपैड 64GB वाला है, फिर भी मेरे आईपैड के ऊपर काफ़ी सारी किताबें हैं जो कि मैं यूजुअली आईक्लाउड के ऊपर यूज़ करता हूँ, इसी वजह से मुझे स्टोरेज का इशू बिल्कुल से नहीं आता है। साथ ही साथ क्या आईपैड ये सारी किताबें, ये बड़ी बड़ी पीडीएफ्स हैंडल कर पाता है, तो बिल्कुल से आपका आईपैड ये सारी पीडीएफ्स हैंडल कर पाता है। आप लोग इसे फाइल्स के अंदर भी ओपन करके यूज़ कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, या अगर आप डेडिकेटेड जो पेड ऐप्स है वो वाली यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गुड नोट्स, नोटेबिलिटी, ये सारे ऐप्स तो भाई मक्खन चलते हैं सारे पीडीएफ्स के साथ, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1500 पेजेस हो, 2000 पेजेस हो, बिल्कुल से आसानी से आपके आईपैड के ऊपर वो सारी चीज़ें हो सकती है। बिकॉज बात करते हैं मेरे एग्जाम के एक्सपीरियंस के बारे में, तो अभी अभी मेरे एग्जाम्स हुई है जिस वजह से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अभी सब कुछ फिनिश हो गया है, हम लोग वापस ट्रैक के ऊपर। अभी बात करते हैं कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा आईपैड को यूज करके और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इन किताबों को यूज करके। पिछले साल से पहले मैं सारी किताबें ही यूज करता था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल से आईपैड नहीं था, लेकिन अब से मेरे पास आईपैड है तो थोड़ा बहुत मैं आईपैड की भी यूज कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इन सेंस कि भाई 30-40% मैं आईपैड यूज करता हूँ, क्योंकि वो आदत है यार एक किताबें यूज करने की, वो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल से पता है किताबों के ऊपर हम लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल से यार वो आदत है वो बिल्कुल से नहीं जाती है। तो बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इस आईपैड के साथ और क्या ऐप्स मैंने यूज़ किए हैं। तो एक्चुअली मैं गुड नोट्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ कम्पेयर टू नोटेबिलिटी, मेरे पास दोनों ही ऐप्स है, लेकिन गुड नोट्स का मतलब यार मेरे पास साथ एक ऐसा टच है कि जो मुझे उसे ही यूज़ करने को बोलता है, क्योंकि यार गुड नोट्स के अंदर जो भी हमारा व्यू होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, वो लगभग से एक लैपटॉप जैसा होता है, या फोल्डर के अंदर फोल्डर वाला जो ऑप्शन होता है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ कवर करी है कि भाई ये फोल्डर वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती है और ये मुझे काफ़ी ईजी लगता है नेविगेट करने के लिए, कंपेयर टू नोटेबिलिटी जिसके अंदर भाई वो स्लाइडर वाला कुछ है वो बिल्कुल से मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी बिल्कुल से पर्सनल चॉइस है भाई, आप लोगों की चॉइस बिल्कुल से डिफरेंट हो सकती है और ये मेरा बिल्कुल से पर्सनल ओपिनियन है। फीचर्स वगैरह लगभग से सेम हैं, कुछ फीचर्स ज़्यादा है नोटेबिलिटी के अंदर कंपेयर टू गुड नोट्स, लेकिन गुड नोट्स यहाँ पे चीपर साइड के अंदर आता है और एक बार परचेस करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे नोटेबिलिटी के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से गुड नोट्स एक नॉर्मल चॉइस होनी चाहिए सभी की कि भाई गुड नोट्स ही लो, नोटेबिलिटी थोड़ा सा आप लोग मतलब अगर आप ज़्यादा ही पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो हर एक फीचर के, आपको एडिशनल पैसे देने हैं, हालांकि फीचर्स भी ज़्यादा है, तो अगर आपको मतलब अफोर्डेबल है तो आप लोग नोटेबिलिटी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गुड नोट्स यूज़ किया है। बात करते हैं भाई गुड नोट्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने ओपन करी है, मतलब कौन सी फाइल्स थी। तो लगभग से सारे फाइल्स जो किताबें होती है, टेक्स्ट बुक होते हैं, लगभग से 1000 पेजेस के आसपास होते हैं, कुछ 600-700 पेजेस के होते हैं और इसके अंदर कभी मुझे कोई भी लैग फेस नहीं हुआ है। मैंने सारे काफ़ी सारे पेजेस को हाईलाइट किया है, काफ़ी सारे पेजेस के ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिली है कि मेरा आईपैड स्लो डाउन हो रहा है। ये इशू मैंने नोटेबिलिटी के अंदर फेस किया है, यहाँ पे जब भी मैं नोटेबिलिटी के अंदर मल्टीटास्क कर रहा था, यहाँ पे एक साइड के ऊपर वीडियोस देख रहा था या मीट के अंदर था, गूगल मीट के अंदर, यहाँ पे दूसरी साइड के अंदर मैं नोटेबिलिटी के ऊपर नोट्स ले रहा था, तो मुझे काफ़ी बार नोटेबिलिटी के अंदर थोड़ा सा इशू देखने को मिला है, जो ऐप है वो थोड़ा बहुत क्रैश हो रहा था,
शायद ये मेरे आईपैड के ऊपर बीटा वर्जन वाली आईपैड ओएस चल रही है इसी वजह से हो रहा होगा, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत लैग मुझे नोटेबिलिटी के साथ देखने को मिला है जो कि गुड नोट्स के साथ बिल्कुल से नहीं था। यहाँ पे गुड नोट्स के अंदर मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है और इसी वजह से मैं गुड नोट्स रेगुलरली यूज़ करता हूँ। नोटेबिलिटी के अंदर थोड़ा बहुत यार मतलब थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है या थोड़े बहुत आपको लेट इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी हम लोग कुछ उसके ऊपर राइट करते हैं या हाईलाइट करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये देखने को ना मिले क्योंकि मेरे आईपैड के अंदर अभी बीटा वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको फेस हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, बिल्कुल से कमेंट सेक्शन बिल्कुल से आप लोगों का है भाई, जो भी चीज़ें आपको फेस होती है नहीं होता है तो बिल्कुल से कमेंट के अंदर बताओ। जो लोग छोटे बहुत पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल से फेस नहीं होगा, लेकिन मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई जो लोग 1000 पेजेस के ऊपर वाले पीडीएफ यूज़ करते हैं, काफ़ी हेवी पीडीएफ यूज़ करते हैं, क्या आपको ये दिक्कत आती है? तो अगर आती है तो बिल्कुल से कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे बता सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम गुड नोट्स एंड नोटेबिलिटी में ऐसे कौन से ऐप्स आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा, तो भाई वो इसके अंदर सबसे पहली ऐप है एक्समाइंड। एक्समाइंड एक काफ़ी अच्छी ऐप है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि यार मुझे मतलब उसकी आदत नहीं है, मुझे अपने नॉर्मल पेपर की ही आदत है और एक्समाइंड मैंने काफ़ी बार यूज़ करी है। माइंड वेक्टर या एक्समाइंड आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे माइंड वेक्टर के अंदर आप लोग जो है वो अपने सारे माइंड मैपिंग की चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है माइंड मैपिंग क्या होता है, तो अगर आपको किसी चीज़ को याद रखना है, किसी लंबे आंसर को याद रखना है, तो आप लोग उसमें से कुछ वर्ड्स पिक आउट करते हो और उससे माइंड मैपिंग के अंदर ऐसे मैप कर देते हो, मतलब ट्री डायग्राम या जो भी डायग्राम्स होते हैं उसके अंदर मैप करते हो और वो काफ़ी इजी होता है विजुलाइज करने को कंपेयर टू वो पूरा लंबा आंसर याद रखने से। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आप अगर स्टडी करते हो तो आप लोगों को बिल्कुल से पता होगी। ये सारी चीज़ें आप लोग इस एक्समाइंड के अंदर काफ़ी ईजीली कर सकते हो और काफ़ी ईजी इन अ सेंस कि भाई काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अगर आप ट्राई करोगे तो आप लोग इससे कंफर्टेबल हो जाऊंगे। मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भाई मेरे काफी ज्यादा फ्रेंड्स हैं जिनके पास भी आईपैड है तो वो लोग इसे बिल्कुल से यूज करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूं। तो गाइस इसके बाद जो ऐप मैं यूज करता हूं या मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है ट्रेलो। ट्रेलो काफी अच्छा ऐप है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी इसके बारे में बात करी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर सारे के पास अगर आईपैड है आईफोन है तो आप लोग इस ऐप को यूज कर सकते हो बिल्कुल से। ट्रेलो के अंदर आप लोग जो भी चीजें करते हो या आप अगर ग्रुप स्टडी करते हो तो आप पोस्ट कर सकते हो भाई कि मैं यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ या हम लोगों को आज ये सब्जेक्ट कवर करना है, ये पॉइंट कवर करना है, लाइव में आप लोग अपडेट कर सकते हो और वो सारों के इसके पे अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से सारी चीज़ें कर सकते हो, तो काफ़ी यूजफुल है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, पर बैडली मेरे सारे दोस्तों के पास आईपैड आईफोन नहीं है इसी वजह से मैं इसे यूज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में देखा है कि ये काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। मेरे इसमें भी इंस्टॉल है लेकिन अभी तक मेरे सर्कल के अंदर आईपैड सभी के पास नहीं है, तो उसी वजह से ये कुछ हद तक मेरे से ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मैं इसे काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेडिकल लाइफ के अंदर हो, मेडिकल वाले फील्ड के अंदर हो, तो वहाँ पे हर बंदे के पास आईपैड होता है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर। सो गाइस अभी बात करते हैं कि क्या अच्छा है, मतलब ये किताब अच्छी है या ये आईपैड अच्छा है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन से ये बताऊंगा कि किताब ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू आईपैड। अगर आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है तो अगर आपको कहीं पे ट्रैवल नहीं करना है तो ये किताब यार बिल्कुल से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इफिशियंट है कम्पेयर टू मेरे आईपैड। या मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो यार मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने आईपैड से जब भी मैं पढ़ता हूँ कम्पेयर टू मेरे किताब से, तो यार इसके साथ जो है एक टच रहता है, मतलब ये हमारा इमोशन होता है कि भाई हम इससे काफ़ी ज़्यादा सालों से पढ़ रहे हैं, किताबों से काफ़ी ज़्यादा सालों से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे एक कनेक्ट लगता है किताबों से अगर पढ़ता हूँ तो कम्पेयर टू आईपैड। ये चीज़ मेरे लिए भी नई है, आप लोगों के लिए भी शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है। और जब भी ट्रैवल करना होता है तो भाई इस चीज़ को मैं मतलब ट्रैवल नहीं कर सकता इसको लेके, तो यहाँ वहाँ पे मैं बिल्कुल से अपने आईपैड को यूज़ करता हूँ और ये एज अ सेकेंडरी डिवाइस में यूज़ करता हूँ। स्टडी के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं मतलब सबसे ज़्यादा इससे इसके ऊपर स्टडी नहीं करता हूँ। किताबों के ऊपर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा कंपेयर टू आईपैड, लेकिन आईपैड के ऊपर कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, वो अगर आप मतलब आपको अगर कंफर्टेबल हो जाता है आईपैड तो वो उसके मजे आप लोग काफ़ी ईजिली उठा सकते हो, जैसे कि मल्टीटास्किंग वगैरह आप सारी चीज़ें आईपैड के ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग लेक्चर देखते देखते नोट्स लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज तो है भाई। ऐसे नहीं है कि भाई किताबों के ऊपर ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आईपैड के ऊपर भी सारी चीज़ें होती है और डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसी वजह से मैं
प्रीफर करता हूँ किताबों से पढ़ना कंपेयर टू आईपैड, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ आईपैड की तरफ। मैं ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देता हूँ आईपैड से पढ़ने के लिए, लेकिन वही है आदत है किताबों की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर से लग जाएगा। तो आगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा भाई क्या चीज़ें होने वाली है। ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी गई है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बात करते हैं तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यार, आईपैड से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी है, आईपैड से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर करे हैं। मतलब आईपैड के ऊपर जब हम वर्चुअलाइज करते हैं कुछ चीज़ें, आप लोग सिमुलेट कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, या अगर आप प्रोग्रामिंग अगर करते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग आपके आईपैड के ऊपर कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो एज अ सेकेंडरी मैंने आईपैड के ऊपर प्रोग्रामिंग भी करी है, पाइथन मैंने इसके ऊपर चला के देखा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी लाइब्रेरीज भी सपोर्ट करती है लगभग से, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कुछ फीचर्स है, कुछ कुछ लाइब्रेरीज है जो आईपैड के ऊपर अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिल्कुल से। लैपटॉप के ऊपर सारी लाइब्रेरीज बिल्कुल से वर्क करती है, जो आईपैड के ऊपर थोड़ी बहुत मतलब लैग करती है, लैग इन अ सेंस कि भाई अवेलेबल नहीं है, उसका सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, और जो भी सपोर्ट है वो शायद से पेड ऐप के ऊपर है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है कुछ एक्सपीरियंस गाइस आईपैड और किताबों के बीच में। शायद कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को बिल्कुल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई वीडियोज़ के लिए। आई एम अजिंक्य कुकरे साइनिंग ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वन।